पूज्य माता प्रेमलता जी जिनका जीवन हर तरह से प्रेम युक्त जीवन था, ठाकुर जी के सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत कर पल भर के लिए भी उस स्थान को नहीं छोड़ा, अंतिम स्वांसों का सीम सरदा सतम जीवीम सरदा सतम श्रीणयाम सरदा सतम प्रभ्र सुर सरी नारा सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। बीजी जैसा जो व्यक्तित्व है वह चलता फिरता प्रयागराज है, तीर्थ है। इसकी सार्थकता ऐसे भी है कि मैंने जब भी पिताजी को मंदिर आते समय छोड़ा है, पुरुषोत्तम दास जी के मंदिर, उन्होंने पीजी के उस स्थान को प्रणाम करके ही वह वहाँ से निकले। श्री दादू दयाल जी जो एक खरब नाम जिन्होंने अपने जीवन में जपा, उनके शिष्य ने अंतिम समय में पूछा, महाराज आपके रघुवर तुमको मेरी नाज, मैंने ये सुना तो सारा सुनने के बाद मेरे को कहते कहता जा रघुवर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज, कोई बात नहीं बनने वाली। मैंने कैसे बनेगी, सियावर तुमको मेरी लाज। अरे जब तक सियावर नहीं कहोगे ना तब तक मेरी बात बनने वाली नहीं है। मैंने भैया जी आपकी शिक्षा के अनुसार ही चलूंगा ना, आप बताएंगे तभी तो चलूंगा। तो ऐसा शासन में भी, जैसे राजन ने कहा शासन में भी कृपा। शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति सारे नूं हाथ जोड़ के पे सारे को फॉलोअर भी कर दो, इतने बड़ी वीडियो है फॉलो रख दो ऊपर बड़े। हाँ जी ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी भाई साइड में बड़ा है, थोड़ा घूम जाओ स्टैंड कर। ये पिक्चर ले लो।
Oh,
Thank you.
Thank you.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Thank you.
तकदीर बना
ने अपने जीवन को ऐसा ही सुंदर बढ़िया बनाया।
समय निकलना है, लेकिन एक बात बच्चों के लिए फुलवाड़ी के लिए जरूर, माँ जैसा संसार में कोई देवता नहीं है, माँ जैसा कोई हो भी नहीं सकता है। माँ के बड़े उपकार हैं हम सभी के ऊपर, माँ का ऋण है हमारे ऊपर। माँ न होती तो हमें बोलना न आता, माँ न होती तो हमें इस संसार में रहना न आता, और माँ न होती तो हम इस संसार में अच्छे इंसान नहीं बनते। इसलिए शास्त्र ने भी पता क्या कहा, संसार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कोई है तो वो माँ है, माँ से बड़ा विश्वविद्यालय कोई नहीं। जिस विश्वविद्यालय के अंदर हमें इंसानियत की डिग्री मिलती है, अपने जीवन को जानने की डिग्री मिलती है, धर्म राज युधिष्ठिर और यक्ष महाराज का वो प्रसंग सभी बड़ा मशहूर है। पृथ्वी माँ के लिए कहते हैं यक्ष महाराज, पृथ्वी माँ बड़ी भारी है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं एक मेरी माँ भी है, जब उसे देखता हूँ तो उसके ऊपर भारी पड़ती है। तो माँ इतनी महान है, माँ के बड़े उपकार हैं, माँ का ऋण है। बचपन में जब हमने लोरियां ली, माँ की गोद में बैठकर के जिस आनंद को लिया, जब हम बड़े हो जाते हैं तो भी उस आनंद को ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा आनंद तो केवल मात्र वो माँ की गोद में ही मिलता है, माँ के आशीर्वाद में मिलता है। पूज्य माँ जी ने अपने आशीर्वाद से, अपने प्यार से, प्रेरणा से, आशीर्वाद से, अच्छे गुणों से, भक्ति से परिवार बच्चों का जीवन रंग दिया, गली मोहल्ले का जीवन रंग दिया, समाज मानव समाज का जीवन रंग दिया। ये वो माँ थी जो गृहस्थी में बच्चों में रहते हुए भी एक सन्यासन थी। बड़े बड़े तपोवती संत महात्मा, बड़े बड़े मठाधीश पूज्य माँ जी के स्थान पर आते रहे हैं, मिलते रहे हैं, आशीर्वाद देते रहे हैं और आशीर्वाद लेते रहे हैं। बच्चों ने एक बड़ी अच्छी बात निर्णय किया है कि हम चाहते हैं कि माँ जी का स्थान, माँ जी का सपना, माँ जी का आना जाना और माँ जी की सेवा अयोध्या जी में भी रही है, तो क्यों ना हम माँ जी के अस्थियों को हम वहां पर ले जाएं और वहां प्रवाह करें, तो ये बहुत अच्छी बात है श्री राम जी के चरणों में। वेद का एक मंत्र आता है, अष्ट चक्र नवद्वारा देवा नाम पूरी अयोध्या। इस मंत्र में कहा कि तुम्हारे पास अयोध्या रूपी देवताओं की नगरी है, और जिसके पास अयोध्या रूपी देवताओं की नगरी है उसका जीवन कैसा होगा, उसका जीवन प्रेम लता माता जैसा होना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन को इतना बढ़िया सुंदर बनाया है। ईश्वर के दरबार में हम सभी दिव्य आत्मा की सदगति शांति के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें, उन्हें सदगति आत्मिक शांति प्राप्त हो। मैं समस्त फुलवाड़ी से, चिरंजीव सुयोग्य सुपुत्रों से, पुत्र वधुओं से, पुत्रियों से, समस्त फुलवाड़ी से, पौत्र दौत्रों से आशा रखूंगा, जो चादर्श माँ जी ने जीवन के अंदर बनाए सभी बच्चे उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, उनके सपनों को अधूरे कार्यों को मिलके पूर्ण करेंगे, और जो भक्ति प्यार के ज्योत माँ जी ने जगाई है वह हमेशा वैसे ही जगती रहेगी। सभी ईश्वर के ठाकुर जी के जो है चरणों में हमेशा रहेंगे उनके सानिध्य में। ईश्वर समस्त फुलवाड़ी को सुखी बनाए, ये ही श्रद्धांजलि उनके चरणों में है। ओम शांति। हाँ जी पकड़िए।
रानी पका जो वसीम सरदा सतम जीवीम सरदा सतम श्रीणयाम सरदा सतम प्रभ्रवा की चर्चा की गई है मोदल मंगल सुर सरी नारा सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। बीजी जैसा जो व्यक्तित्व है वह चलता फिरता प्रयागराज है, तीर्थ है। इसकी सार्थकता ऐसे भी है कि मैंने जब भी पिताजी को मंदिर आते समय छोड़ा है, पुरुषोत्तमदास जी के मंदिर, उन्होंने बीजी के उस स्थान को प्रणाम करके ही वह वहाँ से निकले। श्री दादू दयाल जी जो एक खरब नाम जिन्होंने अपने जीवन में जपा, उनके शिष्य ने अंतिम समय में पूछा, महाराज आपके आंखों में अश्रु क्यों है? तो दादू को दे हवाले हो रही है, लेकिन जैसा प्रिय नाम था वैसा मैं ले नहीं सका। एक खरब नाम उन्होंने अपने जीवन में अपने रोग रोग से जपा। तो श्री जुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जब ऐसे संत नामनिष्ठ नाम प्रेमी जो नाम के प्रति अपने प्रेम को पूर्ण नहीं कर पाते, उन्हें ठाकुर अवश्य ही पुनः धरा धाम पर भेजते हैं। ऐसे ही एक विभूति श्री बीजी से सबसे अधिक प्रेम करते थे, ऐसा ही बीजी के प्रति सबका स्नेह है कि बीजी हमसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। चाहे किसी को उनका प्रेम मिला, शासन मिला, लेकिन उनके प्रेम से कोई वंचित नहीं रहा। आज कुछ हमारे बड़े भैया के रूप में हमें उनका आशीर्वाद मिलता भी है जब भी कोई उत्सव हमारे मंदिर में होता है, और हम आशा करते हैं कि बीजी के आशीर्वाद को आगे से भी वह हमें हमारे ऊपर बरसाते रहें। अपने पिताजी की ओर से, मुझे बाऊजी की ओर से, मैं इस परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री राम। अपा जी मेरे पास इस बात पे आया करते थे, मैं इनको कहता था मेरा प्रणाम कर देना, तो याद किया करते थे। एक बार मैं इनके यहाँ गया, बहुत देर की बात है, मैं गया तो मैंने जाकर मुझे कहते कुछ सुना, रघुवर तुमको मेरी लाज, मैंने ये सुना। तो सारा सुनने के बाद मेरे को कहते, कहता जा रघुवर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज, कोई बात नहीं बनने वाली। मैंने कैसे बनेगी, सियावर तुमको मेरी लाज। अरे जब तक सियावर नहीं कहोगे ना, तब तक मेरी बात बनने वाली नहीं है। मैंने भैया जी आपकी शिक्षा के अनुसार ही चलूंगा ना, आप बताएंगे तभी तो चलूंगा। तो ऐसा शासन में भी, जैसे राजन ने कहा शासन में भी कृपा, यदि जिसके ऊपर कोई झिड़की भी डालते थे तो उसमें भी कृपा ओतप्रोत होती थी। किसी से पूछो, आज आपके ऊपर बड़ा भारी शासन किया भैया ने, वो कहते नहीं, बीच में उनके प्रेम बड़ा हुआ है। तो ऐसी महाराज एक और बात है कि संत की रहमी का पता उनके अंतिम समय में मिलता है कि क्या जीवन में किया हुआ है। महाराज अधिक मास में प्राण त्याग करना, जब चारों तरफ नाम की महाराज जमीने लगी हुई है, ऐसे समय में उनका जाना ये निश्चित करता है कि उन्होंने जीवन में क्या किया। बस इसी के साथ शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति देव शांति साम शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। लो जी घर दे वालों सारे नु हाथ जोड़ के बेनती है, मां दे के चले चलो बीजी। चलो भाजी आते कि निकली, चलो
ਰਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣ।